दोस्तों रिसेंटली एंजल ब्रोकिंग ने अनाउंस किया है कि एंजल ब्रोकिंग अपनी रीब्रांडिंग करने जा रही है और अब से एंजल ब्रोकिंग का नाम होगा एंजल वन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंजल ब्रोकिंग का नाम चेंज होने के साथ साथ और क्या चेंज होने वाले हैं और भी जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे उन सभी को इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि अचानक से इस नेम को चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या कोई नई कंपनी को एक्वायर किया गया है, या फिर एंजल ब्रोकिंग किसी और कंपनी के साथ मर्ज हुई है, क्या एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा या पुराने डील्स एंड एग्रीमेंट्स वैसे ही वैलिड रहेंगे, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट ईयर में आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा, साथ ही साथ डिलीवरी में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी सिर्फ 20 रुपीज ब्रोकरेज है पर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा आपको MTF फैसिलिटी मिल जाती है, पर्सनलाइज एडवाइजरी मिल जाती है और एंजल ब्रोकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके स्टॉक्स भी सजेस्ट किए जाते हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू खुद शेयर बाय एंड सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग जो कि अब एंजल वन होने वाला है उसमें अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दोस्तों क्योंकि अब एंजल ब्रोकिंग का नाम बदलकर एंजल वन हो चुका है तो सबसे पहले जानते हैं कि एंजल वन क्या है। तो दोस्तों एंजल वन एंजल ब्रोकिंग का एक मास्टर ब्रांड है। मास्टर ब्रांड का मतलब है कि एंजल ब्रोकिंग जो जो सर्विसेज अभी तक ऑफर कर रहा था उन सभी सर्विसेज को एक नाम से जाना जाएगा, एंजल वन, और एंजल वन उन सबको रिप्रेजेंट करेगा और वो सारे फाइनेंशियल सर्विसेज जो एंजल ब्रोकिंग प्रोवाइड कर रहा था वही कंटिन्यू रहेंगे, बस नाम बदल जाएगा एंजल वन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सब कुछ सही तो चल रहा था तो फिर नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन यह है कि एंजल वन अपने आप को इंडिया की नंबर वन डिजिटल फिनटेक कंपनी बनाने के रास्ते पर चल रही है। ये विजन लोगों की सभी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए लिया गया है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, इंश्योरेंस से लेकर जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन सबका वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन आपको एंजल वन के पास मिले, यही चेंज का मेन मोटो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि क्या एंजल ब्रोकिंग किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने जा रहा है या फिर एंजल ब्रोकिंग ने कुछ नया एक्विजिशन किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजल ब्रोकिंग चाहती है देश की नंबर वन डिजिटल फर्स्ट फिनटेक कंपनी बनना, जहां पर एंजल वन के प्लेटफॉर्म के जरिए कस्टमर का सारा फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो, चाहे लोन्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस हो या फिर ब्रोकिंग। यही एंजल ब्रोकिंग का मेन मोटो है और इसीलिए एंजल वन बनाया गया है। किसी भी नई कंपनी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया जा रहा है। अब इन केस आपने एंजल ब्रोकिंग के शेयर्स बाय कर रखे हैं तो आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा क्या प्रमोटर्स की होल्डिंग बदलने वाली है कंपनी में। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कंपनी का आईडी नंबर, जीएसटी नंबर, एड्रेस सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप कंपनी को सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे हैं तो वो भी सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आपको आपका डेली फाइनेंशियल नोटिफिकेशन भी पहले की तरह ही आता रहेगा और प्रमोटर्स की होल्डिंग में भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन बदलेंगे? तो आपके डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक बात जरूर होगी कि आपके लिए नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट जरूर लॉन्च किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एंजल वन के प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है ताकि वो सबसे बेहतर स्पीड और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करे, और ये सब होगा एंजल वन के बैनर के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि क्या इससे एंजल के प्रोडक्ट्स में कोई चेंज आएगा? तो एंजल के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, चार्जेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डीमैट अकाउंट खुलवाना फ्री ही रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्या कस्टमर अकाउंट्स में कुछ चेंज होगा? तो कस्टमर्स के डे टू डे एक्टिविटीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उनके एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो बेसिकली एंजल ब्रोकिंग का नाम बदल के एंजल वन हो रहा है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज और फैसिलिटीज मिलेंगी। जो सर्विसेज और फैसिलिटीज पहले से मिल रही थी वो बिल्कुल सेम रहेंगी। तो अगर आपका एंजल ब्रोकिंग में पहले से डीमैट अकाउंट है तो आपको नया डीमैट अकाउंट खुलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वही डीमैट अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं है तो एंजल वन जो कि अब नया हो गया है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, एंजल ब्रोकिंग कहें या एंजल वन कहें, तो आप उसमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।